हाँ, मेरा फेवरेट शो। ये क्या है? अरे बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीजें दिमाग खराब कर देती हैं। मैं लगाती हूँ, देखते हैं। ओह ये अच्छा है। क्या आप लोग यहाँ टीवी देख रहे हो? इसे एंटरटेनमेंट कहते हैं। मैं कुछ करता हूँ। हो मजा आ रहा है। आजकल के बच्चे क्या देखते हैं? नहीं ये तो कूल है। मैंने ये बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब लगेगा क्लासिकल म्यूजिक। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओ अच्छा। अरे यार बस भी करो प्लीज, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बहुत हुआ, चलो चैलेंज शुरू करें। अब बेहतर है। ओह हम यहाँ कैसे फंस गए? इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। कूल, आप ये बना सकते हैं? बुरा नहीं है। मैं छोटा हूँ तो पहले मैं देखूंगा। थैंक्स ग्रैंडमा। ये तो काफी बढ़िया कौन लगता है। मजे करो डियर। ये पक्का बहुत जूसी होगा। ये बीच में आ रहा है। तुम जानते हो ना क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, कौन चॉप करेंगे? चलो दोबारा करें। परफेक्ट, कितना सुंदर सा कॉर्न है। चलो इसे गर्म करें, मुझे थोड़ा ज्यादा गर्म पसंद है। ओह हाँ ये तो कमाल है। बोला, और अब एक सबसे जरूरी स्टेप, कॉर्न होल्डर्स। टडा, और इस पर कुछ मीठा डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना, बराबर डाल देंगे। देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तुम जरा यहीं पर रुको, मैं देखती हूँ यहाँ क्या है। समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या करना है। मुझे तो ये खाने लायक भी नहीं लग रहे, लेकिन लगता है मुझे इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अगर हम इसे खाते तो ये कौन कौन होल्स बन सकते हैं? हमें बस सही पैटर्न भी बनाना होगा। हमने इसे हॉरिजॉन्टल काट लिया है, अब वर्टिकली काटेंगे। एक और, अब ये सही लग रहा है। अब इन स्टिक्स को निकाल दें। टाडा! पहले इसे रोल करेंगे और इसे यहाँ रखेंगे। और हमारा येलो कॉर्न आ गया। इसके ऊपर इस तरह लगाएं और अपने फिंगर्स से ही इसे दबा दें। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? हमने अच्छा किया ना? मुझे कॉर्न पसंद है, मैं कुछ मीठा खाऊं? मुझे पसंद है। ऐसा लग रहा है डिनर में डिजर्ट खा रही हूँ। पर ये वाला भी अच्छा लग रहा है। ओह, क्या ये ऐसा होता है? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम जीत गए जेरेड। मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ग्रैंडमा। और बढ़िया मीठी और स्वादिष्ट कैंडी की। ओह मजा आने वाला है, मेरी फेवरेट फ्रूट रोलअप्स। क्या ये सबसे मजेदार चीज है? और रेड वाला फ्लेवर मेरा फेवरेट है। ये क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा है? तो बढ़िया। ओ चलो भी, मुझे नहीं खुल रहा, मैं इसे टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। ओ ग्रैंडमा, ये मुझे दो। मैं समझ नहीं पा रही। मैं करता हूँ। खैर इन कलर्स को तो देखो, लगता है हो गया। अब क्या, मैं बस इसे, ओह मैं यहाँ देखती हूँ, ये नंबर्स इतने छोटे क्यों हैं? कनेक्शन भी अच्छा नहीं है, नेटवर्क है।
चलाओ। जी मुझे मदद चाहिए। फ्रूट रोल-अप्स? जी मैम। बस इसे खाना है हाँ? वाह मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो इसे और दिलचस्प बनाएं। अब ये बहुत हेल्दी है, जैसा एक वेजी रैप होता है। अरे यार मैं तो ये बहुत सारे खा सकती हूँ। नहीं मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बस एक बाकी है। आहा, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, इसे रैप में रैप करेंगे बेबी। जबरदस्त कैंडी की तरह लग रहा है। इसकी खुशबू अच्छी नहीं है। आइसक्रीम ये तो सभी को पसंद होती है ना। एक बड़ा सा स्कूप चलेगा। ओ हाँ ये हुई ना बात। अब इसे इस तरह फोल्ड करें, कोनों को इस तरह साथ लाएं। ओ इतना प्यारा है ना, जैसे छोटी सी रवियोली हो। लगता है काम हो गया। ग्रैंडमा? नहीं मैंने तो सारा खा लिया। स्वाद लगता है पर एक ही प्लेट है। ये क्या हुआ? ओह डियर। मैं आपको माफ कर सकती हूँ, कम से कम मेरे पास एक चीज तो है। अच्छा लग रहा है। एकदम कमाल का है। ये राउंड तुम जीते जेरेड। मैं जानता था ये बढ़िया होगा। ओके डुकी तो चलो पॉपकॉर्न बनाएं। गुड लक। पॉपकॉर्न हाँ? लगता है मेरे तो तैयार हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बना। कर्नल्स तो अच्छे लग रहे हैं। खैर ये मेरा फेवरेट स्नैक है। रुको बढ़िया मैं इसका कुछ अच्छा बना सकता हूँ। हाँ चलो फ्लेवर्स देखते हैं। नमक इसीलिए तो बनाया गया है, ज्यादा नहीं डालेंगे। परफेक्ट। हाँ बस थोड़ा और लो। जेरेड वो नमक है। बहुत अच्छा है। नहीं ठीक है। और डालते हैं दोस्तों। ठीक है ये मेरा किचन का मास्टरपीस है। मैं जानती हूँ ग्रैंडमा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, और हम कुछ मीठा बनाएंगे। बस थोड़ी तैयारी चाहिए। चलो इसे गर्म करें। अब थोड़ा सा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। बढ़िया और अब सबसे जरूरी हिस्सा, मजे करो। मैं तो भूल ही गई, हमें थोड़ा पानी भी चाहिए। परफेक्ट अब होगा जादू। जरा इसे देखो। ओह कितनी अच्छी आवाज है, ऐसा लग रहा है इसमें डांस पार्टी हो रही है। और चॉकलेट पिघल चुकी है। जरा इसे देखो। एकदम लाजवाब। मैं कुछ सोच रहा हूँ, जरा इसे देखो। ओह हाँ देखते हैं उसे क्या पसंद आएगा। देखो बहुत मजा आने वाला है। इसमें क्या होगा? ठीक है ये तो नमक है। ठीक है ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। बहुत अच्छे ग्रैंडमा। अरे वाह मैं तो जीत गई। चलो अब थोड़ा हेल्दी हो जाए, हम एप्पल बनाने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है। प्लीज लेडीज फर्स्ट। कितने प्यारे हो। ठीक है देखते हैं। हाँ ये एप्पल्स ही हैं, पर बोरिंग लगते हैं ना, मैं इनका क्या करूं? मैं अपना वाला देखता हूँ। वो मुझे नहीं लगता ये एप्पल्स हैं। क्या ये सॉफ्ट है? अरे नहीं अब क्या?
रुको, मेरे पास एक आइडिया है, हम ये बदल लें। मुझे ठीक लगता है। हाँ, हमारे पास अब एप्पल जाएंगे, मजा आएगा। मैं समझ गई, पहले हम इसे रोल करेंगे। हाँ? अब इसे इस तरह काटेंगे, ऐसे और थोड़ी और, मजा तो अब आएगा। इसका एक बॉल बनाएंगे, देखा, यही है इनकी फाइनल फॉर्म। इसके अंदर एक छेद करेंगे और अब इसे कलर करेंगे। स्वाद तो एप्पल जैसा है। अब ये भी एप्पल्स जैसे लगते हैं। खूबसूरत है ना? मैं भी आती हूँ, बस इन्हें हीट देनी है। जरा इन्हें देखो, ये बढ़ रहे हैं, लगता है हो गया। मेरे वाले तुमसे ज्यादा असली दिखते हैं। जरा इन्हें देखो, पर ध्यान से, ये बहुत गर्म है। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखेगी। लो, ये अच्छे से फिट हो गए, शानदार। लगता है टाइम खत्म हो गया। ओ, देखते हैं उसे क्या पसंद है। ये, ये तो किसी ने खाया हुआ है। अरे नहीं, नहीं नहीं, शुक्रिया। और ये क्या है? देखने में तो बहुत बढ़िया है। स्वाद भी अच्छा है। आप जीत गए ग्रैंडमा। अब रोना मत। हे मॉम। हाँ, वो कहाँ है? मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है, लगता है मुझे कुछ करना होगा। चलो फ्रिज में देखिए हमारे पास क्या है। कुछ खास नहीं। ये बहुत गलत बात है। हाँ, एक कुकिंग चैलेंज, मैं देख लेते हैं। मैं कुछ जबरदस्त बनाने वाली हूँ। मैं तब से खाना बना रही हूँ जब तुम डायपर्स पहना करती थी, तो आ जाओ। वी, मजा आ गया। चैलेंज के लिए तैयार हो? सबसे पहले हमारे पास स्वादिष्ट डिजर्ट है, चलो शुरू करो। ये आसान है, मैं तो स्टोर से ही लाती हूँ। मेरे बैग में कुछ है। ओ, जैम, ये चलेगा, ये एकदम मीठा है। और ये रही पाई ट्रे और मेरा डो, मैं ये इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, पता नहीं कब काम आ जाए। पहले डो से शुरू करेंगे, इसे ट्रे में रखेंगे। मेरे पास इसकी एक ट्रिक है, बढ़िया था ना? अब इसमें जैम डालेंगे। देखते ही मुँह में पानी आ गया। इसे अच्छे से फैला देंगे। बढ़िया है। अब डो की स्ट्रिप्स को ऊपर रखते जाएंगे। पहले हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स रखी थी, अब हम वर्टिकल स्ट्रिप्स रखेंगे ताकि एक लैटिस इफेक्ट आ जाए। अब ये ओवन में जाएगा, मैं अभी आती हूँ। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम इसे पकाएंगे। जरा इसका ध्यान रखना, देखकर तो वो बहुत आसान लग रहा है, पर अब मैं क्या करूँ। रुको, समझ गई। ये रहा बन और ये रही स्प्रे क्रीम। जरूरी नहीं है कि सारी पाई फैंसी ही हो, बस इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। ऊपर की तरफ क्रीम डालेंगे, पूरे बन को कवर कर देंगे। अब इस पर स्प्रिंकल्स डालेंगे, इससे इसमें कलर आएगा। बढ़िया लग रहा है। ये कैसा मजाक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। पर ज्यादा देर के लिए नहीं, मुझे मदद चाहिए होगी। कितना बढ़िया क्लब है, मुझे कौन कॉल कर रहा है? मेरी आवाज आ रही है, हेलो। कोई फायदा नहीं है, क्या हो रहा है? कुछ बढ़िया ही हो। माफ करना, मुझे मदद चाहिए, जरा इस पर अपना जादू करो। ये क्या है? पर तुम लकी हो, मैं तुम्हें हैरान करने वाला हूँ, ये देखो। ये क्या हो रहा है? वो कमाल कर दिया, ये परफेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पाई तैयार है, खुशबू बहुत अच्छी है। क्या क्या, ये यूनिकॉर्न है? मैं अपनी पिल्स देना फिर से भूल गए। हे ओल्ड लेडी, ऐसे मत घूरो। ये सच है? नहीं,
आपने क्या किया? और ये क्या कर दिया? टाइम हो गया, मुझे चलना होगा। सब खराब हो गया, ये सब उस यूनिकॉर्न की गलती है। शायद मैं इसे बचा पाऊँ, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं ये लिज़ी को नहीं दे सकती। ओ, शर्म की बात है, मुझे बुरा लग रहा है। रुको, ये लो। हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? कितनी अच्छी हो। शुक्रिया डियर, बहुत अच्छा केक है। ओ, मुझे हैप्पी एंडिंग बहुत पसंद है। मेरी नजरों में आप दोनों ही विनर्स हो। सच में? वाह, हमने कर दिखाया स्वीटी। हाँ, ये तैयार है, मैं चाहती हूँ आप पिज्जा बनाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे कुछ सामान चाहिए। जो चाहिए वो सब आ गया। देखते हैं। हमें डो चाहिए होगी, पहले इसे रोल कर लेंगे। शुक्र है मेरे पास रोलिंग पिन है। ये साइज ठीक है, मेहनत का काम है। मेरी आंखें बहुत मुश्किल से खुली हुई हैं। ठीक है, अब क्या करें? आहा, सॉस। हर पिज्जा पर टमेटो बेस होना जरूरी है। मेरे वाले के लिए मैं केचप डालूंगी, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसे डो के ऊपर डालेंगे। मुझे कल रात पार्टी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नींद आ रही है। चलो फिर, मुझे ये खत्म करना होगा। मैं अपनी ब्यूटी स्लीप बाद में ले लूंगी। अब ये टॉपिंग्स डाल देते हैं। चीज कहाँ है? आहा, इसे ऊपर से छिड़केंगे, मैं बाद में सो जाऊंगी। ये कौन सी टॉपिंग्स हैं? आप जानती हैं ना क्या कर रही हैं? डियर, मुझे ध्यान देने दो, जरा मैं अपनी आंखों को आराम दे दूं। हाँ, हे, उठो। यहो, वेकी वेकी, अपनी आंखें खोलो। वो कहीं भी सो सकती हैं। चलो, वो जो कर रही हैं करने दो, मुझे भी अपना पिज्जा बनाना है। ये मुश्किल होगा। या मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, किसी को क्या पता, मैंने रेडीमेड वाला लिया है। इस पर टॉपिंग्स डालते हैं और ओवन में रख देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, मैं ऐसे ही सो गई थी। ओह, चैलेंज, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? मैंने वो दोबारा खो दिए, वो यही कहीं होने चाहिए। मेरा पिज्जा तैयार है और ये स्वादिष्ट लग रहा है। लिज़ी को ये बहुत पसंद आएगा। आप ठीक तो हैं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हो? मैं मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना क्या करती? अब बेहतर है। मेरा पिज्जा, मैंने कहा था ना, मेरा पिज्जा तैयार है लिज़ी। ओह, मैंने तो इसे पकाया ही नहीं। गूई है क्या? ओह, अब जज करना होगा। मुझे नहीं लगता ग्रैनी सही है। आप ही खा लो। माफ करना हनी, मैं सो गई थी। और आपने क्या किया मॉम? इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीत गई। हाँ, मैं जानती थी। मेरी ड्राइंग पूरी हुई, आपको कुकीज बनानी है। क्या? समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अगर मैं या फिर रुको, समझ ही गई। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है, मैं एक ऑर्डर दूंगी। वो इतनी जल्दी आ गया, शुक्रिया। तो चलो, सारी कहानी प्रेजेंटेशन पर आती है। टडा! कैसा लगा? ये कैसा मजाक है? क्या हो, क्या गया? हाँ, मैंने पूरा नहीं किया था। मैं इसमें से ट्रीट ले लेती हूँ। बहुत यमी है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। इससे मुझे एक आइडिया आया, हम कुकी को अलग कर लेते हैं, दूसरे कुकी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर डबल कुकी होगी तो फ्लेवर भी डबल होगा। रुको, हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं एक जायंट कुकी बनाऊंगी, फिलिंग्स को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। देखते हैं हम इसे कितना लंबा बना सकते हैं। आराम से, बस ये गिर ना जाए। अब ऊपर एक कुकी रख देंगे। वाह, ये एक टावर जैसा बन गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुमने बहुत कोशिश की, पर अभी तुमने देखा ही क्या है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपने बैग में दोबारा देखती हूँ। हाँ, ये कहाँ से आया? मुझे और मेहनत करनी चाहिए। ओह, हे दोस्त, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। रुको, ये आवाज कैसी है? क्या मैं किसी चीज के ऊपर बैठी हूँ? तुम यहाँ कैसे आए? पर कोई बात नहीं, पहले क्रश कुकीज को बोल में डालेंगे। अब इसके ऊपर एक कप पीनट बटर डालेंगे
और अब थोड़ी क्रीम, ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी काफी है। इसे मिक्स कर कर पेस्ट बना लेंगे। अब बॉल्स बना लेंगे और एक वायर रैक के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। इससे पहले चॉकलेट सेट हो जाए, हम स्प्रिंकल्स डालेंगे। एकदम मीठी, गोई और स्वादिष्ट होगी। मेरा हो गया। हाँ, बढ़िया ही लग रही है, पर ये चीज एकदम अनोखी है। अब तुम देखो लिजी। बढ़िया। हाँ, दिलचस्प है। अच्छे लग रहे हैं ग्रैनी। शुक्रिया डियर। और मॉम, कोई बात नहीं, तुम कह सकती हो कि मैं ही विजेता हूँ। वो विनर तो आप ही हो। क्या सच में? क्यों? हाँ, और यह अगला चैलेंज, एक परफेक्ट पाई और अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगा कुछ मुश्किल होगा। शो ऑफ करना बंद करो। मुझे कुछ सामान लेना होगा। चलो बाहर चलें। बाय डियर। क्या वो स्टोर पर जा रही हैं? मैं तो फोन से ही मंगवा सकती हूँ। देखते हैं। नहीं, ये चलेगा। और अब इंतजार करते हैं, हमें पैसे जरूर मिलेंगे। चलो देखें। ये लो, मैं इसे एक के ऊपर एक रखती हूँ। कितना आसान था। अब पर्सनल टच ऐड करेंगे। इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए चॉकलेट सॉस डालेंगे। मैं कितनी आर्टिस्टिक हूँ। मुझे दे दो प्लीज। क्या शॉपिंग ट्रिप थी, लगता है मैं सब ले आई। हाँ, आपने कुछ नहीं देखा। मुझे चिंता नहीं है, मेरे पास भी कुछ खास है। पहले एक पेयर से शुरू करेंगे। एक पैन चाहिए, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पेस्ट्री में कट लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिलिंग्स डाल देंगे। अब पेस्ट्री को फोल्ड कर देंगे और कोनों को क्रिम्प कर देंगे। ये गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। और हाँ, इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालेंगे। मैं भी ये कर सकती हूँ। ये हो गया। तो कैसा लगा? मुझे अपना पसंद है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। अच्छे लग रहे हैं। मेरी डिश देखो। वाह, कमाल कर दिया। ये ग्रैनी जीतती है, इसमें कोई शक नहीं था। अब फाइनल राउंड है और अब बनाओ ये टेस्टी सैंडविच। ओह, बढ़िया, मैं ये कर सकती हूँ। ये रही मेरे पास सारी ताजी चीजें। जरा इन्हें देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कहाँ से शुरू करें? रुको, मुझे ब्रेड मिल सकती है क्या? तुम्हें ये चाहिए? ठीक है, मुझे सॉसेज भी चाहिए होगी और चीज भी। कोई बात नहीं, रुको, मेरे पास सिर्फ यही है, तो मैं इसका क्या करूं? अच्छा, बंद करिए रुला। खैर, रुको, अगर मैं ये काम करेगा। बेकिंग शीट के ऊपर चीज रख देंगे। अब इसे ओवन में रखेंगे। चीज के पिघलने का इंतजार करेंगे। जरा इसे तो देखो। ठीक है, अब हम इसे निकाल सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर हैम और सैलड लीव्स डाल देंगे। लैम इसके ऊपर टमाटो और अनियंस भी डालेंगे। अब इसे रोल कर देंगे। ये बुरीटो जैसा लग रहा है। इसे आधा काटेंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। ये लिजी के ड्राइंग जैसा ही है। उम्मीद है उसे पसंद आए। आपने ये कैसे किया? मुझे जल्दी करना होगा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चीज को ब्रेड पर रखेंगे। अब एक सॉसेज रखेंगे। अब ब्रेड को लपेट लेंगे। इसे टिकाने के लिए वुडन स्क्यूअर्स लगा देंगे और अब इसे काट लेंगे इस तरह। इसे हम एग में डुबोएंगे, अच्छे से कोट हो जाए। तो इसे ब्रेड क्रम्स में डुबोएंगे और फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन कलर होते ही निकाल लें और सॉस और हर्ब्स के साथ सर्व करें। मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। तो तुम यही कर सकती हो लिजी। चलो अब देखो। मैं बोर हो गई हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी है मॉम, मैं उन्हें खाने का इंतजार नहीं कर सकती। पर ये तो देखो। वाह, मजा आ गया। आप जीती हो ग्रैनी। Ha ha ha!
बहुत मजा आने वाला है। शुक्र है ग्रैनी ने फ्लश कर दिया था। मैं एक खास रेसिपी पर कब से काम कर रहा हूँ और मेरा सारा सामान यहीं पर है। वाह, जरा ये कलर को देखो, ये आखिरी बॉटल है, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। मुझे एक क्रीम चाहिए, बस ये काफी हो। इससे टॉयलेट को कवर कर देंगे। इससे अच्छी चीज मैंने कभी नहीं की। बहुत मजा आ रहा है। और अब ये रहे स्प्रिंकल्स, मतलब ये तो होने जरूरी है। कितने बढ़िया लग रहे हैं, मेरे मुँह से पानी आ गया है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब इसे ट्राई करना होगा। ओह, मेरा पेट। जेक, तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, पकड़े गए। ये स्ट्रॉ रख दो। अभी क्या भी? दोबारा नहीं जेक, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? मैं बहुत निराश हूँ। अब एक ही चीज हो सकती है। नहीं, रुको, आपने देखा क्या? ये क्या हो रहा है? मुझे पसंद नहीं आया। हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। वाह, कितना कूल था। अब चलो कुकिंग चैलेंज करें। हो, ये क्या है? मुझे मत देखो। स्पेलिंग थोड़ा मुश्किल है। जो भी हो, मैं चाहता हूँ आप स्वादिष्ट पिज्जा बनाएं। क्या? देखते हैं इसके नीचे क्या है। ये क्या चीज है? ग्रानी, आप ठीक तो हैं? ओ, ये पिज्जा डो है। जरा रुको, क्या यहाँ सिर्फ यही है? ओ, ये मुझे कैसे देख रही हैं? इससे आप दूर रहना। ये मेरा है, तुम मुझसे पंगा मत ले लेना। छोड़ दो, कोशिश कर लो। बस करो, मैं मॉम को बताऊंगा। तुम्हें लगता है मैं उससे डरती हूँ? ध्यान से। नहीं, पकड़ो। ये सब तुम्हारी गलती है, पर मैं अभी भी इसे इस्तेमाल करूंगी। ओह, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं घबरा गया था। इससे मैं नहीं रुकने वाली। ये मुझे दो। ओह, मैंने कहा था ना पैर धोया करो। खैर, कम से कम इससे डो में चीजी फ्लेवर आ जाएगा। इसे इस हॉट प्लेट पर रखते हैं, हीट बढ़ा देते हैं। ये एकदम अच्छा और क्रिस्पी होना चाहिए। बढ़िया है ना? अब मैं क्या करूँ? समझ गया, चॉकलेट कभी मुझे निराश नहीं करती। किसने कहा पिज्जा को सिर्फ डो से ही बनाया जा सकता है? मैं इसका बेस मीठा बनाऊंगा, बस चॉकलेट को पिघलाएंगे। मैं अपना हेयर ड्रायर इस्तेमाल करता हूँ। क्या तुम ये सब अपने साथ लेकर चलते हो? बिल्कुल, मेरे बाल हमेशा इतने अच्छे कैसे लगते हैं? ये जला मत देना, मैं इसे पलटा देती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। टमाटर की जगह क्रीम इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक बहुत प्यारा आइडिया है, मैं एक स्माइली फेस बनाऊंगी। ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पर स्प्रिंकल्स डाल देंगे, इससे इसे कलर मिलेगा। मैं स्प्रिंकल बे हूँ। इसे खाना तो नहीं बनता। यही होगा, मैं चॉकलेट को अच्छे से फैला देता हूँ। अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे। वाह, मेरा बेस तैयार है। मैं कुछ ट्राई करना चाहूँगा। मैं हमेशा से डेजर्ट भूल जाना चाहता था। पिज्जा टॉपिंग्स। वो, ये तो काम किया। मैंने ये खुद से किया है। मैं समझी नहीं, कम से कम मैंने ये प्यार से बनाया है। बुरी सी बदबू आ रही है ग्रानी। चॉकलेट पिज्जा, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो लियाम। अब कौन जीतेगा? ये वाला लियाम जीतता है। वो, क्या आपने सुना? बहुत अच्छे स्वीटी। कितना सुंदर है। ये किससे बात कर रहा है? जूसी प्रॉन्स और यमी स्पेगेटी। ओह, मैं समझ गई। इस लड़के को पास्ता बहुत पसंद है और मैं उसे निराश नहीं करूंगी। ग्रानी कुछ भी बना सकती है। इन नूडल्स को पैन में डालेंगे। कितना मजा आ रहा है। टेस्टी तो लगता है, मैं ग्रानी का मुकाबला कैसे करूंगा? सोचो, एक सेकंड रुको, मैं समझ गया। मैं अपनी गम इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोशिश कर देखते हैं, पता है शायद ही काम कर जाए। ये पास्ता जैसा ही लग रहा है, लगता है कुछ अच्छा ही होगा। इसे प्लेट पर रखेंगे, पर स्पेगेटी की तरह अरेंज कर देंगे। अब हमें सॉस चाहिए और मेरे पास एक चीज है, मैं चॉकलेट सिरप इस्तेमाल करूंगा। जेक को मीठा बहुत पसंद है, उसके डेंटिस्ट को इससे नफरत है। और अब गमी बेयर्स कैसे रहेंगे? एकदम मीठे और च्यूई। चलो फ्लेवर डाले। ये गॉरमेट फूड है। हे ग्रानी, जरा ये देखो। तुम तो बहुत क्रिएटिव हो डियर, पर अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। मुझे चीज चाहिए। चलो इसे काटे, मुझे सेंसेई की बात याद रखनी होगी। मेरे हाथ ही हथियार हैं, पर मैंने सिर्फ अच्छे के लिए इस्तेमाल करती हूँ और चीज काटने के लिए भी। वाह, कितना कूल था, बिल्कुल निंजा की तरह। बहुत ट्रेनिंग लगती है डियर। मैं मैथ्स ही पढ़ लेता हूँ।
जो भी हो, मेरे पास पास्ता डिश पड़ी है, इसमें से थोड़ा चीज निकाल लेंगे। अब इसे चम्मच से ही तोड़ लेंगे। ओह, ये बढ़िया लग रहा है और मुझे ऐसे ही चाहिए। इसे प्लेट पर डाल देंगे और अब इसमें चीज कुछ ऐसी शेप में नजर आएगी। मेरे नूडल्स का क्या हाल है? ओह, ये तैयार है। अब एक मजेदार हिस्सा, चीज व्हील को नूडल्स से भर देंगे। बढ़िया बोल बन गया है। अब इसके ऊपर चीज डालेंगे। वाह, आप तो बहुत तेज हो। ये क्या? दूर रहो, हो सकता है यहाँ थोड़ी गर्मी हो जाए। मुझे चीज मेल्ट करनी है। ये मेरे हिसाब की डिश है, थोड़ी गूई, स्प्रिंगी और टेस्टी भी। हाँ, इतना काफी है। जरा ये पकड़ो। ये कैसा है? चलो देखें। वाह, जरा देखो, मैं किसी को जानती हूँ जिसे ये बहुत पसंद आएगा। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ जे। वाह, मुझे बहुत पसंद है। रुको, तुमने अभी मेरी डिश नहीं देखी। मेरे पास सारे कैंडी फूड ग्रुप्स हैं। दोनों अच्छे लग रहे हैं, पर ये भी लियाम जीतता है। माफ करना ग्रानी, लगातार दो बार जीत गया। ओ, पर मैंने तो पूरी कोशिश की। फ्राइज का टेस्ट बहुत गंदा है, तुम इसका कुछ कर सकते हो? क्या सच में? कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, बस एक मिनट। हेलो, मैं एक ऑर्डर देना चाहूँगा। मुझे आपके थोड़े टेस्टी फ्राइज चाहिए। हे, दो पोर्शंस ऑर्डर करना। जरा रुको, मुझे दो चाहिए होंगे। ठीक है। नहीं रुको, मुझे और चाहिए। 10 पोर्शंस देना। क्या, ये कोई मजाक है? तुम्हें कितने चाहिए? 10? नहीं, मुझे सारा चाहिए। मुझे लगता है ये नहीं हो सकता। क्या पक्का? पर चलो, सबसे बड़ा वाला पोर्शन दे देना। बहुत सारे फ्राइज हो जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, सबसे बड़ा चलेगा। हे, कस्टमर हमेशा सही कहता है। मेरे बहुत पैसे लगेंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता, आप ही गए। ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। सब ये देख सकते हैं ना? ये लो जैक, तुम्हें फ्राइज चाहिए थे ना? वाह, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूँ? बहुत मुश्किल है। जरा एक सेकंड रुको, लगता है मैं समझ गई। वो एप्पल मुझे देना डियर। क्या, आपको ये चाहिए? ठीक है, ये लो, पकड़ो। थैंक्स स्वीट हार्ट। अब मैं इसका क्या करूँ? हाँ, मैं समझ गई, मुझे एक चम्मच चाहिए। एप्पल के आसपास से काटेंगे, कोर निकाल लेंगे। इतना काफी है। इसे एक साइड पर लगाएंगे, मैं यही तो चाहती थी। अब इसमें कुछ भरना होगा। एक और एप्पल छील लेंगे। ज्यादा समय नहीं लगा, चलो अब इन्हें फ्राइज में बदल दें। ये बहुत आसान है। इसे एप्पल से फिल कर लेंगे। ये बहुत क्रंची लग रहा है। मैं इसमें एप्पल फ्राइज भरना चाहूंगी और लोगो बना देंगे। मेरा हो गया, जरा देखो जेक। वाओ, मैं हैरान हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बहुत सिंपल है। हाँ हाँ, मुझे चुनो। ठीक है, तो देखते हैं, लियाम जीतता है, उसके पास असली प्राइज है ना? हाँ, मैं महान हूँ। चलो दोस्त, खाते हैं। तुम ये मिस कर रहे हो। वो ये क्या कर रहा है? वाह, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। उसे पता है ना हम यही हैं। हो गया, अब बस इसे फोल्ड करना है। आपको ये बहुत पसंद आएगा, भरोसा रखो। मैं कब से मैजिक ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। एक कपड़े से इसे कवर कर लेंगे। अब्राकडाब्रा, और ये गायब हो गया। वो जादूगर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। शुक्रिया, आपने बहुत सब्र से देखा। हे लियाम, अपनी पॉकेट चेक करो। क्या, क्यों? रुको, इसके अंदर कुछ है। ये नहीं हो सकता। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मजेदार है। तुम्हें मुझे बताना होगा तुमने ये कैसे किया। खोलो इसे। ये एक बर्गर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई छिपा हुआ मतलब होगा। मैं समझ गई, चलो पकाना शुरू करें। सारा सामान तैयार कर लेते हैं। लगता है सब आ गया। चीज से शुरू करेंगे, पहले से कटी हुई है। इसे बेकिंग क्रीम में डाल देते हैं। 6 स्लाइसेस काफी होंगे। अब इनके ऊपर बंस लगा देंगे। सारे रख दिए। अब मैं लियाम का हेयर ड्रायर लेती हूँ, इससे गर्म हो जाएंगे। जी हाँ, इनका दिमाग फिर गया। मुझे सब सुनाई देता है, मैं जानती हूँ क्या करना है। चॉपिंग बोर्ड को ट्रे पर रखेंगे। अब इसे फ्लिप कर देंगे। चीज पिघल चुकी है। अब बाकी की टॉपिंग्स रखेंगे। ये बर्गर्स बहुत जूसी लग रहे हैं। इस पर टमेटो स्लाइसेस रखेंगे। अब इसके ऊपर केचप डालेंगे। ये मस्टर्ड एकदम जबरदस्त होगी। अब बंस को फोल्ड कर देंगे। जी हाँ, ग्रानीज बर्गर्स, तुम्हें कैसा लगा? हाँ ठीक ही है, पर मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। ऐसे ही रहो, ये सिंपल बन है,
मैं इसका कुछ खास बनाने वाला हूँ। मेरे पास खुद की मैजिक ट्रिक है। इस कपड़े से बन को कवर कर देंगे। अब मुझे जरा ध्यान देना होगा। क्यों? तुम क्या करने वाले हो? जरा मुझे करने दो, कुछ हो रहा है, मैं बता सकता हूँ। लगता है ये तैयार है, जरा देखो। वो कितना कूल है, तुमने ये कैसे किया? अभी और भी है, मेरे पास एक टेस्टी कुकी है, इसे बन में रखेंगे। अभी तक तो सब ठीक है। और कैंडी लगाते हैं, तुम्हें क्या पसंद है? वो वाला। बहुत अच्छी चॉइस है सर, इन्हें कुकीज के ऊपर रखेंगे। इस बर्गर में टमाटर नहीं है, हाँ मार्शमेलोस या चिप्स। वो वाला। मार्शमेलोस, बढ़िया, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, इतना काफी है। पर अभी और भी है, थोड़ी चॉकलेट शेविंग्स कैसी रहेंगी, इससे फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तुम डाइट पर तो नहीं हो ना? अब मुझे ये और नहीं चाहिए, कुछ तो मिसिंग है। ओह बिल्कुल, मुझे सॉस चाहिए, ये वो बोरिंग से केचप नहीं है, ये चॉकलेट है। बढ़िया लग रही है, अब इसके ऊपर बन रखेंगे। मेरा मास्टरपीस पूरा हुआ। इसे तो देखकर ही मेरे दांत में दर्द हो गया। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे दोनों ही पसंद आए। ग्रैनी ने क्लासिक बर्गर बनाया है और लियाम बहुत इन्वेंटिव रहा, दोनों जीत गए। क्या, मैं जीत गई? आ जाओ ग्रैनी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह ये, मेरे गेंस देखो, मैं बढ़ रहा हूँ। ये मुझे दो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा चम्मच, ये हो क्या रहा है? रुक जाओ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ओह हाँ, जरा मुझे देखो, ये अंडा मुझे दो, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुझे वो चाहिए था। ये लो। कितनी चिपचिप करती हो ग्रानी, मुझे एनर्जी बरकरार रखनी होगी। हे, यहाँ क्या हो रहा है? अब एक ही चारा है। हो गया, अभी तो शुरुआत है। रुको, हम कहाँ हैं? फूड चैलेंज में आपका स्वागत है। वाह, ये कितना कलरफुल है। हाँ, पहले राउंड के लिए तैयार हो? मैं चाहती हूँ आप एक ताजी ड्रिंक बनाएं। प्लीज। अरे ये बहुत आसान है, मुझे लगा कुछ मुश्किल होगा। ये रहा सोडा, चलो इसे मिक्स करें। इसके कलर को तो देखो, अब इसमें कैंडी डालेंगे, इससे इसमें फिज आएगी। हमें बबल्स तो चाहिए ही होंगे, मुझे चेरीज बहुत पसंद है, इससे हम इसे अच्छे से सजा सकते हैं। वाह, मैं इसे मजे से पीऊंगा। बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी ही एनर्जी चाहिए थी, बहुत अच्छा लग रहा है। लियाम, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बहुत गड़बड़ करने वाला है। लियाम, मैं तुम्हारी मॉम को बताऊंगी। चेरी गार्निश यही है। इतनी जल्दी नहीं, ये मुझे दो। इतना भी बुरा नहीं है। ओ, मेरी कमर। अब पता चला, और इससे मुझे एक आइडिया आया। ये है कैंडी बनी, इसे एक वैक बैग में डालेंगे। अब इसमें से हवा निकाल लेंगे। शुक्र है मेरे पास ऐसी मशीन है, ये सारा काम कर देगी। अब इसे उबलते पानी में डालेंगे, कैंडी को मेल्ट होने देंगे। इतना काफी है, लगता है हो गया। कोने से काटेंगे और इसे ग्लास में डाल लेंगे। मैं इसे पूरा नहीं भर रही, अब इसे सेट होने देंगे। अब इसमें दूध डालेंगे और कैंडी को तोड़ लेंगे। इसके लिए हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल करेंगे, बहुत यम्मी लग रहा है। चलो ट्राई करें। बढ़िया है, मुझे यही तो चाहिए था, तुम्हें बहुत पसंद आएगा हनी। मैंने अपने लिए ड्रिंक बना ली है। ये चुनना मुश्किल है, पर टाई हो गया। वुहू! आ जाओ। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अगला सबका फेवरेट है, पिज्जा। ओह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ चलो शुरू करें, मुझे अपना डो बनाना होगा। इतना आटा काफी होगा, मजेदार है। अब मुझे अंडे चाहिए, चलो टूट भी जाओ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी सुपर चिकन ने दिया होगा। एक बेहतर आइडिया है, मैं दूसरे अंडे से इस पर मार कर देखता हूँ, तब ये टूट जाएगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी फ्लेक्सिंग तो देखो, देखकर मजा आ जाए। इसके आगे डो कुछ भी नहीं है। एव, कितना गूई है और चिपचिपा भी। हट जाओ, मैं तुम्हें कर कर दिखाती हूँ, तुम्हें बस ये मैजिक तक चाहिए। हे, आराम से, बस करो। ओ, जरा रुको, मेरे पास एक और ट्रिक है,
रस्ट हटा देते हैं और इसे डिश में रख देंगे। अब इस पर चीज डालेंगे और फिर इसे पिघला लेंगे। ये पिज्जा नाचोस जैसे हैं। देखो चीज कैसे खिंच रही है। आपने कैसे किया? मुझे चिप्स बहुत पसंद है। रुको, मैं समझ गया। मुझे दे दो, मुझे यही तो चाहिए। थैंक्स टीना। मैं वो खा रही थी, पर कोई बात नहीं, मेरे पास ये मार्शमेलोस का जार है। चिप्स को वॉफल आयरन पर रखेंगे। अब इस पर एलोपिनोस डालेंगे, इसे गर्म करना होगा और इसके ऊपर श्रेडेड चीज डालेंगे। अब इसे मुंह में पानी आ गया। चलो इन्हें पकाएं। कितना अच्छा लग रहा है ना। पर पिज्जा बिना टमाटो सॉस के अधूरा है। मैं इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। ओह हाँ, ये हुई ना बात। वाला एकदम जबरदस्त। ओह बढ़िया। इन पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ये लियाम जीतता है। बहुत अच्छे। ये कैसा मजाक है। उसका टेस्ट अच्छा है। उठाओ उठाओ उठाओ। ये रहा आपका अगला चैलेंज। ये है सुशी। जरा मुझे देखने दो। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। कितना ही मुश्किल होगा। इस लेटस लीव में एक चम्मच चावल डालते हैं। अब खीरा, फिर इसे रोल कर लेंगे एकदम कसकर। ये रहा मेरा पहला सुशी रोल। चलो ट्राई करें। इतना अच्छा नहीं है, कुछ और चाहिए होगा। चावल लेते हैं। इतनी कुकिंग कर मुझे खुद को भूख लग गई। मुझे अपनी गेंस का भी ध्यान रखना होगा। मैं यही तो ढूंढ रही थी। चलो कुकिंग शुरू करें। पैन में पैन केक बैटर डालेंगे और फिर इसे पकाएंगे। अब इसे पलटाना है। कभी कभी मैं खुद को हैरान कर देती हूँ। मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये देखो, घबराओ मत, वो कभी ना कभी तो नीचे आ ही जाएगा। कहा था ना, मुझे मेरा पैन केक वापस दो। मैंने पूरी कोशिश की। मैं पैन केक के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगाऊंगी। ये अच्छा लग रहा है। इस पूरे को कवर कर देंगे और अब इसके ऊपर बनाना रखेंगे और रोल कर देंगे। अलग अलग सेक्शंस में काटेंगे। ध्यान रहे कि साइज सेम कटे। बस ये आखिरी पीस है। लो, हो गया। ये काफी अलग सुशी है और बहुत टेस्टी होगी। हाँ हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। शायद मैं चावल इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले नोरी की शीट काटेंगे। ज्यादा बड़ा कट नहीं होना चाहिए। अब नीचे की तरफ कोने में मस्टर्ड लगाएंगे, इससे इसमें फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर चावल डालेंगे। सुशी में एकदम ताजी फिश होनी चाहिए। मैं सैल्मन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर एवोकाडो रखेंगे और इस तरह इसे फोल्ड कर देंगे। मैंने एक सुशी पॉकेट बनाई है और इसका स्वाद जबरदस्त है। ट्राई करोगी टीना? वाह, इतनी जल्दी। मेरा मन नहीं कर रहा, माफ करना। ग्रानी के पास क्या है? ओह, बनाना और चॉकलेट। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, मैं यही चुनूंगी। ये ग्रानी जीतती है। नहीं, तुमने सुशी बनाने को कहा था। नहीं, मानना तो पड़ेगा बच्चे, मैं इसकी हकदार हूँ। ये गलत बात है। मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है। नहीं तो जाओ, नाश्ते में कोई जंक फूड नहीं। एव, गंदा है, मुझे नहीं चाहिए। hey, तुम्हें गमी वर्म्स चाहिए? ये बहुत अच्छे हैं। तुम क्या कर रहे हो? इसे यहाँ से ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए। देखो, उसे मेरी कैंडी ही चाहिए। नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। चलो भी, ये ले लो। मैंने कहा नहीं, जाओ यहाँ से। वो ये क्या हो रहा है? लगता है अब कोई चैलेंज होगा। चलो शुरू करें। एक चॉकलेट बार। ये बहुत अच्छा है। चॉकलेट? तुम मुझे पहले देखने दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। शुक्रिया। चलो देखें। ओह, मुझे तो चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड मिली। स्वादिष्ट। इसे खोलकर टेस्ट करती हूँ कि अच्छी है या नहीं। शुक्रिया, मेरे पास ये स्पून है। इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। बहुत अच्छा होगा।
ग्रैंडमा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। ओह एक चॉकलेट बार, और अगर मैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह नहीं बहुत अच्छा है। ओह नहीं सारी स्पेड खत्म हो गई, मैंने सारी खा ली। ओह नहीं ये कैसे हो सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसी की जरूरत थी। एक सेकंड रुको, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मैं इसे जार में डाल देती हूँ, देखो ये कैसे भर गया। तो चलो सारा दूध इसमें आ गया। ठीक है अब जार का ढक्कन लगा देंगे, देखा अब इसे शेक करेंगे। मुझे करने में मजा आ रहा है और मसल्स का वर्कआउट भी हो जाएगा। जी हाँ चलो अब इसे खोलें और देखते हैं अंदर क्या है। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें व्हिप क्रीम डालेंगे। देखो कितनी स्वादिष्ट व्हिप क्रीम है, इसमें और डालनी है, एकदम स्वादिष्ट। ये देखो ये एकदम परफेक्ट है। स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल्स डालने कभी बुरे नहीं होते, बस इसे व्हिप क्रीम के ऊपर डालना होगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए बस थोड़ा सा। अब क्या है, ओह मेरी नाक की बारी है। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया, मुझे बस अपना हेयर ड्रायर चाहिए होगा और इस चॉकलेट को पिघला लेंगे। कितनी स्क्विशी है। जी हाँ अब इस बार के साथ एक कैंची लेंगे, इसे कोने से काटेंगे ताकि ये खुल जाए। अब पिघली हुई चॉकलेट को बाहर निकालेंगे। हाँ देखो कितनी स्वादिष्ट लग रही है, बहुत बढ़िया, बस थोड़ी सी और, ऐसा लग रहा है ये पू है। अब इसे इससे बदल देते हैं, मुझे अब अच्छी चीज मिली। अरुणी अरुणी बकवास, ग्रैनी हे भगवान। ये अच्छी लग रही है, ये रहा स्ट्रॉ। यम्मी ये बहुत अच्छा है, थैंक्स बिग ब्रदर। बिग ब्रदर उसका मतलब क्या है, मैंने वो ड्रिंक बनाई थी। एव, ये क्या है, क्या ये पू है। रखो इसकी खुशबू तो चॉकलेट जैसी है, ये चॉकलेट ही है, कितनी यम्मी है, मुझे पसंद आई। तुम दोनों जीत गए, खैर दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग थी। अब मुझे थोड़े चिप्स चाहिए, क्रिस्पी यम्मी। वो क्या चॉइस है, मैं एक्साइटेड हूँ, देखते हैं इसके नीचे क्या है। ओह ठीक है एक टोटिया, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। इसे एक ट्रे पर वैक्स पेपर के साथ रखेंगे और अब मुझे ऑयल चाहिए। अब इस ऑलिव ऑयल को इस टोटिया के ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर सीजनिंग भी डालनी है और थोड़ा सा पेपर भी, इतना काफी होगा। अब ये ओवन में जाएगा। हे क्या हो रहा है, मेरे ध्यान इसे बुनने में लग गया, देखते हैं मुझे क्या मिला। ओह फ्रेश पोटैटो, क्या बात है, चलो इन चिप्स को काटे। ये देखो मेरा पोटैटो कट चुका है और चिप्स बनने के लिए तैयार है, इसका साइज भी टोस्टर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब इसके पकने का इंतजार करेंगे। ये स्मेल कैसी, शायद ये स्मोक है। ओह अब मुझे भी वही लग रहा है। ओह मेरी टोटिया, तुम्हें उससे बचाना चाहिए, मैं अपने पोटैटो के पकने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह बन गए, चलो इन्हें पकड़ ली, बहुत अच्छे। ओह नहीं आउच, पकड़ो। ओए ग्रैंडमा बहुत गर्म है, सीधा खाना होगा। ये टेस्टी है, मुझे पसंद आया ग्रैंडमा। ओह मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अच्छा लगा। अरे यार मेरा टोटिया तो ओवन में ही जल गया। एओ ग्रैंडमा जीत गई। हाँ बहुत बुरी बदबू है। अब हमें एग्स चाहिए, एग्स बहुत अच्छे होते हैं। ग्रैनी मुझे पहले अपना देखने दो, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था पर पक्का मुझे एग्स ही मिले होंगे। ग्रैनी क्या मुझे फ्राइंग पैन मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं इमरजेंसी के लिए एक और साथ रखती हूँ। शुक्रिया, पर अब सोचना होगा कि करना क्या है। ये रहे मेरे तीन एग्स और ये रहा ग्रैनी का पैन, मैं इससे और क्या कर सकता हूँ अगर मैं इस तरीके से करूँ। हाँ वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, देखती हूँ मुझे क्या मिला। शुक्र है मुझे भी तीन एग्स ही मिले। जी हाँ मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, पहले इन्हें केटल में बॉईल करेंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये हो गया। अब मुझे एक फ्लॉक चाहिए। ओह और एक मैलेट, चलो इसे तोड़े क्योंकि मुझे इसके टुकड़े चाहिए। ये देखो ये बिल्कुल सही चीज निकली, मैं स्प्रिंग ही तो ढूंढ रही थी। अब मैं अपनी हार्ड बॉइल्ड एग्स के लिए ये स्प्रिंग इस्तेमाल करूंगी, बस इसे इसमें प्रेस करना है और ये बीच से कट जाएगा। ये देखो हमारे एग्स बीच से कट गए, अब एक और बार इन्हें बीच से काटेंगे।
ये देखो ये शेप कितनी मजेदार है। बस इस पर पेपरिका और सेसमी सीड्स डालेंगे ताकि ये सुंदर दिखे। पर मैं रिमाइंडर्स का क्या करूँगा? मैंने इसे सॉल्व कर ही लिया। वो ये एकदम से टूट गया। और अब बाकियों की बारी। हाँ अब अगले स्टेप के लिए मुझे हॉट सॉस चाहिए। मैं ये स्पाइसी सॉस भी जाऊंगा। हाँ ये अच्छी है। बहुत तीखी है। ये तो बहुत तीखा था लेकिन जैसे मैंने सोचा था ये उसी तरह पक गए। ओह हनी खैर सब ठीक ही होगा। ये एग्स मेरा फेवरेट नाश्ता। पहले मैं ये वाला ट्राई करूँगी। मम्मी बहुत अच्छा है। ये उसे पसंद आया। ठीक है मैं एक और ट्राई करती हूँ। ये रहा वो मुझे फ्राइड एग पसंद है। हे एक सेकंड रुको इसमें तो शेल्स है। ग्रैनी दोबारा जीत गई। उनके एग्स में ऐसा कुछ नहीं था। अब मुझे बबल्स चाहिए। बबल्स मजेदार है। ग्रैनी जरा वहाँ देखो वो क्या है। हाँ देखते हैं मुझे क्या मिला। ये क्या चीज है? इनसे बबल्स का क्या होगा? मुझे सुबह चाय बहुत पसंद है खासकर इसे स्ट्रॉ से पीना। ये चाय स्वादिष्ट है। ओह इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। अब दोबारा मेरे हेयर ड्रायर की बारी। चलो अब इन कैंडीज को पिघलाएं। इससे प्यास भी बुझ गई और स्वादिष्ट भी था। ओह हाँ देखते हैं मुझे क्या मिला है। अरे वाह मुझे तो बहुत सारी बबल गम मिली। मुझे कभी कभी च्युइंगम खाना बहुत पसंद है। अब मैं एक बबल बनाने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं बना। मुझे और बबल्स के लिए ज्यादा गम खानी होगी। ठीक है एक और बबल बनाने की कोशिश करते हैं। ओह ये तो फट गया पर मजेदार था। ठीक है मुझे और गम भी चाहिए। चलो आ जाओ मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बबल बनाऊंगी। ये देखो बबल टाइम। मैं बस अपनी कैंडी को पिघला रहा हूँ। हे भगवान मैं तोड़ रही हूँ। हाँ ग्रैनी कहाँ जा रही है? वाह वो तो काफी ऊंचा पहुँच गई। बाय ग्रैनी। ठीक है खैर मैंने अपनी सारी कैंडीज पिघला ली। अब अगले स्टेप की बारी। एक स्ट्रॉ लेंगे और ये स्ट्रॉ जाएगा इस पिघली हुई कैंडी में और इसके कोने पर थोड़ी सी चिपक जाएगी। अब हमें बबल्स फुलाने हैं। हाँ ये बन रहा है। ओ फट गया कितना कूल है। और सबसे मजेदार हिस्सा जब हम इन्हें खाएंगे। वो हे भगवान ये कैसा एडवेंचर था। ग्रैनी आप इतनी ऊंचाई से कैसे गिरी? ये थोड़ा दर्दनाक था। ये बबल्स की बारी। रुको बबल्स कहाँ है? ग्रैनी का तो पता नहीं पर मेरा वाला ट्राई करो। ठीक है मैं स्ट्रॉ इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसे फुलाएंगे। वाह इससे बबल बना। ये मुझे बबल्स पसंद है। अब मैं इन्हें खाऊंगी। कितना यमी है। ये मेरा फेवरेट है। तुम जीत गए। हाँ आखिरकार। ये ग्रैनी जीत गई। अरे यार मैं कैसे नहीं जीता। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें मेरा खाना सबसे अच्छा लगा। ग्रैनी आपकी जीत की खुशी में मैं ये फूल लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे पोते हो।